हाय एवरीवन, आप सब देख रहे हैं मेरा वीडियो, मेरा चैनल फिरोज टीक एंड टिप्स के ऊपर। और यही चैनल पर मैं आपको यूट्यूब से रिलेटिव कहीं ना कहीं एक नए नए टिप्स आपके पास लाता रहता हूं। तो प्लीज जो मेरा नया यूट्यूबर जो नया नया मेरा फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा वीडियो शुरू से अंत तक तो देख रहे होंगे जरूर। देखने के साथ साथ एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए, और जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो राइट साइड में दिखाई देता है रेड कलर में लिखा होता है कि सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन भी दिखाई देता है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरा इस यूट्यूब से रिलेटिव रोज वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम पहुंचे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि कई यूट्यूबर में हम जब नए नए, ये तो मैं न्यू यूट्यूबर के लिए बोल रहा हूँ या पुराना के लिए, पुरानों से तो मैं खुद सीख रहा हूँ, लेकिन नयों के बारे में बता रहा हूँ। जो नया है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम कई तरह, मुझे भी कहीं के दोस्त मुझे पूछे है कि यार जो व्यूज के पास जो लिखा होता है 10K 20K 50K, इसका मतलब क्या है? जो के होता है ना, के का मतलब क्या है? उसके बाद आ जाता है एल, तो एल का मतलब क्या? उसके बाद आता है एम, तो एम का मतलब क्या? उसके बाद आ जाता है सी, तो ये के एल एम सी के मतलब क्या होता है? तो आज हम फुल फॉर्म से बताएंगे कि के एल एम सी के मतलब क्या है। कई लोग तो यूट्यूब पर, आप अगर यूट्यूब के पास आप सर्च करेंगे 1K के मीनिंग क्या है, 1K का मतलब क्या है, तो हजारों लाखों वीडियो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सर्च करेंगे कि के एल एम सी यूट्यूब पर इसका मतलब क्या है, तो कई, मुझे ऐसा लगता है मेरा वीडियो ही नंबर वन पर आएगा। तो आज हम बात करेंगे के एल एम सी के मतलब क्या। तो वीडियो का अंत तक बने रहे कि वो वीडियो आ जाए, कुछ नया करने वाले हैं, नया करने के साथ साथ आप सबको दिल भी जीतने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। तो के मतलब सोचो, अगर हम कहीं आलू खरीदने जाएंगे तो हम क्या कहते हैं? पहले अगर हमको 1 किलो आलू चाहिए तो हम सोचते हैं कि हम मांगते हैं कि हमको 1 किलो आलू दीजिए, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तब जाके वो 1 किलो बनते हैं, ये हमको ध्यान देना चाहिए। अगर वो 1000 ग्राम हो गया तो सोचो आपको वो 1 किलो माना जाता है। अगर 500 ग्राम हो गया तो उसको हम 1 किलो नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं कि आधा किलो कहते हैं। तो 1 किलो के लिए हमको कितना चाहिए कि 1 किलो के लिए हमको 1000 ग्राम चाहिए। तो जो 1 किलो है ना, वो है 1000 ग्राम। तो उसी से रिलेशन ये है, यूट्यूब पे भी जो के लगता है ना, वो है 1000 का मतलब है। अगर 1000 का मतलब है 1K, सोचो अगर 10K हो गया तो उसका आंसर क्या होगा, वो तो आपको मालूम है। तो ये इसलिए हमको कभी कभी वीडियो पर हमको लिखा होता है कि 1K व्यूज, 10K व्यूज या 20-30 जितने भी है, लेकिन के जब लागू होता है ना, वो के का मतलब है 1000 का, वो सिंबल है। तो ये तो हो गया सिंपल सा कि 1000 का मतलब है के। तो एल के बारे में हमको सोचना चाहिए कि एल का मतलब क्या है। ये तो आपको भी मालूम होगा, जब हम पहले बता दिया ना, ये भी आपको मालूम हो गया होगा। अगर जिसको मालूम हो गया तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए कि नहीं यार, हम इसी टाइम पर कमेंट किया है कि इसका मतलब ये है, इसका आंसर ये है, तो मैं उसे सल्यूट करूंगा और उनके लिए छोटा सा कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो, एल का मतलब है लाखों, वो तो आपको मालूम है, आप तो सोच लिया होगा पहले से ही, ये तो पता है जरूर। तो ये 1 लाख का मतलब है 1L लिखेगा, तब हमको मालूम पढ़ना चाहिए कि नहीं ये 1 लाख है। अगर वही अगर 100K लिखेगा तो वो भी 1 लाख होगा, लेकिन उसको हम किस तरह से बोलना चाहिए कि 100K का मतलब 100,000, तो 100,000 हो गया ना 1 लाख। तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा नंबर आ गया है एम के मतलब के, ये तो बड़ा सोचने वाली बात है यार, अब कैसा लग रहा है, ये तो सोचने वाली बात है कि एम का मतलब क्या है। तो एम के मतलब है मिलियन, जैसे हम देखते हैं ना 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, तो ये मिलियन क्या है, ये क्या किसका नाम है क्या मिलियन बोले तो क्या लड़की का नाम या लड़का का नाम या किसी टाइटल है ये मिलियन? हाँ यार, ये तो टाइटल ही है, लेकिन कि नहीं, किसी इंसान का टाइटल नहीं, ये व्यूज का टाइटल है।
अगर लगता है ठीक तो कर दीजिए लाइक। तो मिलियन का मतलब है जब आपका 10 लाख व्यूज आएगा ना, उसी 10 लाख को 1 मिलियन कह जाता है। अगर आपका व्यूज 20 लाख हो गया तो 2 मिलियन, ये नहीं 2 मिलियन कह जाते हैं। तो ये मिलियन का मतलब है 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो हो गया ये 3 नंबर पॉइंट। अभी चौथा नंबर पॉइंट है सी के मतलब क्या है। ये यूट्यूब के बारे में बोल रहा है, किसी के नाम के बारे में नहीं है। सी के मतलब यूट्यूब के जो रिलेशन है ना, जो रिलेटिव है, उसी के रिलेटिव से लेकर ये सी के बारे में बोल रहा है। सी के बारे में, तो सी के बारे में तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है। अगर मालूम होने बात ही हम बोलेंगे तो अगर आपको कुछ गुस्सा लगे तो डिसलाइक कीजिए, ये तो सबको मालूम है। तो सी के मतलब है क्रोध, करोड़ों, करोड़ों व्यूज। तो मैं देखा है बहुत सारे वीडियो, कई कई वीडियो में कुछ मीनिंगलेस वीडियो है, जिस जहां पर कुछ मीनिंग भी नहीं है, जहां पर कुछ सीखने के लिए नहीं है, उसी वीडियो को, उस तरह का वीडियो पर भी 1-2 करोड़ व्यूज हो गया, मैंने खुद देखा है। लेकिन और किसी किसी का चैनल भी सस्ता है, इतना 1-2-3 करोड़ या 3 करोड़ तक जिनका चैनल है, वो आपके उनके लिए तो उनके बारे में आपको मालूम ही होता, वो क्रिमिनलिटी, वो चैनल पर उसमें क्या सिखाया जाता है अच्छे के बारे में या बुराई के बारे में, वो तो हमें मालूम नहीं। लेकिन हम 2-3 बार देखा है वो चैनल पर, जो क्रिमिनलिटी, उसका सब्सक्राइबर 3 करोड़ से ज्यादा हो गया, लेकिन उसमें क्या ऐसा खासियत है मुझे मालूम नहीं। हर बात में, हर मीनिंग पर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये दुनिया ही ऐसा यार, जब अच्छे करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई पसंद भी नहीं करेगा आपका चैनल को, कोई लाइक ना कमेंट या ना सब्सक्राइब करेगा। अगर आप गालियां देते रहोगे ना, आज से अगर आप गालियां देना शुरू करें यूट्यूब, आपको ना लाइक गिनती कर पाओगे, ना सब्सक्राइबर गिनती कर पाओगे, या ना कमेंट पढ़ पाओगे। कमेंट पढ़ पाओगे ना, आके आप टीचर बन जाओगे, वो कमेंट का टीचर, सिर्फ आप भी कमेंट पढ़ाओगे, दूसरों को सिखाओगे, इसी तरीके का टीचर बन जाओगे आप, उतना मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ सीधा रास्ता में चलने के लिए कोई कहेगा ना, ये कान में सुनकर उस कान में छोड़ने का तो दूर।